नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल अयोध्या ट्रेंड्स क्लब पर। दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ज़बरदस्त इसलिए होगी क्योंकि 13009 दून एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चलकर देहरादून तक जाती है, इस ट्रेन में अब LHB कोच होंगे जो कि आगे आप अभी देखेंगे। नए LHB कोच लग जाने से यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आज हम आप लोगों को इसी का व्यू आगे दिखाने वाले हैं और साथ ही इसके बारे में भी बताएंगे कि LHB कोच लग जाने से यात्रियों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि इसी तरह की नई नई वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। दोस्तों यह कोच ICF के बने कोचों के मुकाबले काफ़ी हल्के भी होते हैं। इसके अलावा दो कोचों के बीच कपलिंग सिस्टम के गति को कम करता है और दुर्घटना की स्थिति में एक कोच के ऊपर दूसरे कोच पर चढ़ने को रोकता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि रुदौली रेलवे स्टेशन पर इस समय ट्रेन आ चुकी है। ये प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब नए LHB कोचों के साथ आपको अब दिखाई देगी। ये रहा साइन बोर्ड और आप जैसा कि देख सकते हैं नए LHB कोचों के साथ काफ़ी नई नवेली ट्रेन लग रही है। दोस्तों इस नए LHB कोचों में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, साथ ही नवीनतम तरीके से टॉयलेट्स और वॉश बेसिन में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अगर हम इस नए LHB कोच के स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और सबसे अधिक गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। धड़कता है।